जय जगन्नाथ, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविनाश पाठशाला। टू द 13 सेशन ऑन जीके ऑनलाइनर। सो जीके ऑनलाइनर रही सीरीज ऑफ सेशन रे आम 10 मिनट रे 50-50 क्वेश्चन करुचु। आज भी आम 50 क्वेश्चन करवा। आज क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी रो रहइबो। सो बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू इनफॉर्म यू दैट गाइज दिस सेशंस आर बेस्ड ऑन योर अपकमिंग एग्जाम पैटर्न। यू नो द क्वेश्चंस जिते भी आम प्रीवियस ईयर पचरा जाइए ताको ही बेस करके कि सिलेक्टेड क्वेश्चन मुझ तुम सहित डिस्कस कर। इट्स नॉट द टोटल ऑफ यू नो ऑफ अ बुक पूरा बुक रुक नुहे जो गोटे रिपीटेडली पचारा तुमको सहित डिस्कस कर। एंड वन मोर थिंग डू नॉट नोट इट डाउन बिल्कुल भी नोट करिया दरकार ना। वीडियो को गोटे थर रु अधिका थर देख दी थर रु तीन थर देखिदि आउ 1.5 स्पीड देढ़ गुण स्पीड रे टिके करके देखि दियो सुनी दियो बस खाली तुम्हें जहाँ पढ़ी तार रिविजन हो तुम्हें से जिनस गुड़ाक मन रखिपार। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो आम प्रेसीडेट अफ इंडिया स्टार्ट करूँ तो प्रेसीडेट अफ इंडिया को आउ थे स्टार्ट करवा। यूनियन एक्जिक्यूटिव किए किए आसीडेट अफ इंडिया आस वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड विथ प्राइम मिनिस्टर आउ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राइट। सो यूनियन एक्जिक्यूटिव हेड होती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी प्रेसिडेंट को कहा जाए। आउ एटा पार्ट फिफ्थ रे मेंशन अच्छी आर्टिकल 52 रु नहीं कि 151 भितर जो पार्ट फिफ्थ रे कॉन्स्टिट्यूशन टा यूनियन को डील करता भितर प्रेसिडेंट कर आर्टिकल्स गुड़ाक अच्छे। सो आर्टिकल 52 कहुची कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट इन इंडिया। सो आर्टिकल 52 कहुची प्रेसिडेंट को भितर राइट। एग्जीक्यूटिव हेड हो गले यांको डी जोरो एग्जीक्यूटिव कहा जाए नोमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कहा जाए प्रेसिडेंट को एटा मन रखिबो। नेक्स्ट इज फर्स्ट सिटीजन हो गले प्रेसिडेंट सेकेंड सिटीजन होचंती वाइस प्रेसिडेंट एटा भी मन रख। एंड इंडिया रे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होची ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज राष्ट्रपति भवन रे जो प्रेसिडेंट रुहंती दैट वाज डिजाइंड बाय होम एडविन लैंडसियर लुटेन्स कहीकि मन रख तुमने। नेक्स्ट इज मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी कंटेस्ट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दैट इज 35 इयर्स। एंड लेट मी टेल यू द अदर क्वालिफिकेशन ऑल्सो ही शुड बी ही और सी शुड बी अ यू नो सिटीजन इन इंडिया राइट सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज 35 इयर्स मिनिमम एज हवा दरकार देर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ अ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा जोटा कि वाइस प्रेसिडेंट टाइम राज्यसभा जाए ओके। नेक्स्ट मैनर ऑफ इलेक्शन माने इलेक्शन प्रोसेस जो अच्छी से आर्टिकल 54 रे मेंशन अच्छी ओके। इलेक्शन टा इनडायरेक्ट मेथड रे हुए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड रे हुए। जी भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पाई कंटेस्टेंट रहिबे पार्टिसिपेंट रहिबे तांकर 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर रहिबा दरकार 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर रहिबा दरकार ओके। आउ जी भी नोमिनेसन गोटे डिपोजिट भर को पड़ो दैट डिपोजिट इज 15,000 विथ आरबीआई ओके। आउ इलेक्शन किए किए पार्टिसिपेट करते पे बोथ इलेक्टेड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मैंने लोकसभा और राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर्स डू रिमेम्बर इलेक्टेड मेंबर्स। नेक्स्ट इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट्स सब स्टेट रो इलेक्टेड एमएलए आउ इलेक्टेड एमएलएज ऑफ यूनियन टेरिटरी दैट इज दिल्ली एंड पुडुचेरी ओनली ओके। सैलरी 5 लाख रुपीज पर मंथ तांकर ओथ तांकर शपथ पाठ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियंती सी जितेबले रिजाइन करिवे सी कहाँ को लेखिकी देवे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। एट द एबसेंट ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्ट एज द प्रेसिडेंट जदि वाइस प्रेसिडेंट भी एबसेंट थे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहिबे एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करिवे। जदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एबसेंट थे तो एट द टाइम को भी सीनियर मोस्ट जज रहीपर एज ए प्रेसिडेंट ओके। जदि रिमूव करने आसे कथा तेल से इम्पिचमेंट प्रोसेस गोटे थे आउ इम्पिचमेंट आर्टिकल 61 रे मेंशन अच्छे आर्टिकल 61 इज अल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू डू रिमेम्बर दिस अगेन जितेबले इम्पिचमेंट को अणा जीव से 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस रहा दरकार सिग्नेचर विथ 2/3 मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट पास कले जाकर इम्पिचमेंट हो पार ओके। नेक्स्ट वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कॉज बाय रिमूवल ऑफ और डेथ और रेजिग्नेशन शैल बी फिल्ड विद इन 6 मंथ तो मन रख 6 मास भितर इलेक्शन होकर प्रेसिडेंट को पोस्ट फिलअप हो जा दरकार प्रेसिडेंट को पोस्ट कभी भी खाली रहिबनि ओके। नेक्स्ट इज फर्स्ट प्रेसिडेंट इन फ्री इंडिया डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद से बिहार रु थे बिहार कन्स्टिट्युएन्सीज रु। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कथा जदि पचार डॉक्टर जाकिर हुसैन
एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी डायड इन द ऑफिस डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑल्सो। जाकिर हुसैन को सब शॉर्टेस्ट पीरियड था ये भी मन रखिए। आउ जाकिर हुसैन भारत रत्न अवार्डी थे। हु वाज ऑल्सो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिकम द प्रेसिडेंट जस्टिस हृदय तुल्ला। सो मन रख जस्टिस हृदय तुल्ला जी प्रेसिडेंट भी होते सी हूँ ओके यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज 64 इयर्स एज रे नीलम संजीव रेड्डी मन रखिए। फर्स्ट ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट इन इंडिया 76 इयर्स रे आर वेंकटरमन ओके। फर्स्ट साइंटिस्ट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज एपीजे अब्दुल कलाम एंड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट दैट इज प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यू हैव टू रिमेम्बर दिस ओके। एंड कौ मैंने प्रेसिडेंट को द्वारा अपॉइंटमेंट पाती अपॉइंटेड हूँ प्राइम मिनिस्टर हो गले अदर मिनिस्टर हो गले चीफ जस्टिस जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट रजेस चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट अटर्नी जनरल है ना सीएजी इलेक्शन कमिश्नर अदर मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर फाइनेंस कमिशन चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी काफी सारे लोग अपॉइंट हूँ बस तुम्हें कौन कर अलग अलग लाइक गवर्नर क्या अपॉइंट करते प्राइम मिनिस्टर क्या अपॉइंट करते युवा सब अलग नोट बन दि बाकी सब अदर देन देम बाकी सब गुड़ाक प्रेसीडेंट करती मन रही है तुम मान। हाँ हाउ मेनी मेंबर्स आर टू बी नोमिनेटेड द्वारा राज्यसभा राज्यसभा को जो 12 जन मेंबर नोमिनेटेड हूँ ओके। नेक्स्ट आम जी हाँ प्रेसीडेट गोटे लेजिस्लेटिव पावर अच्छी दैट बहुत सारा पावर अच्छी सतटा पावर अच्छी लेजिस्लेटिव पावर सब इंपोर्टेंट जो बार बार पचारे दैट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जितेबाला पार्लियामेंट सेसन नतिबो सेतेबाला प्रेसीडेंट चाहिए निज आड़ एका से निज आड़ ऑर्डिनेंस मेक कर पारे दिस इज नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर गाइस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एटा हुए। सो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 123 रे मेंशन अच्छी और ये ऑर्डिनेंस गोटे टेम्पोररी लॉ हिसाब से लागू रहे तार मैक्सिमम ड्यूरेशन होची 6 मंथ्स 6 वीक्स माने 7.5 मास मैक्सिमम तार ये रहे लाइफ टाइमटा एंड जितेबले भी सेसन आसी जाए से 6 हप्ता भितर से पास हो दरकार यहाँ हूँ गोटे कथ तुम मन रखार अच्छी। एमरजेन्सी पावर प्रेसीडेंट एंजय करती तीन प्रकार एमरजेन्सी पावर अच्छी पिले नेशनल ओके प्रेसीडेंट स्टेट एमरजेन्सी नेशनल स्टेट एमरजेन्सी फाइनेंशियल एमरजेन्सी आर्टिकल्स आर्टिकल 352 आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360 यू हैव टू रिमेम्बर दिस राइट। प्रेसीडेंट ऑल्सो एंजॉयज वीटो पावर तीन प्रकार वीटो पावर अच्छी दोज वीटो पावर यू आर गोइंग टू राइट इन द कमेंट सेक्शन ओके। नेक्स्ट इज बिले नेशनल इमरजेन्सी डिक्लेयर जो करा जाए दुईटा ग्राउंड में डिक्लेयर करा जाए गोटे हूँ वार आउ एक्सटर्नल एग्रेशन ओके। आउ जो नेशनल इमरजेन्सी आर्म्ड रेविलियन जो थी आगर से आर्म्ड रेविलियन को हटे से इंटरनल इमरजेन्सी या इंटरनल डिस्टर्बेंस कर दिया जाए यहाँ तुमको तो मन रखियार अच्छी। आज पर्यंत इंडिया में 3 थर नेशनल इमरजेन्सी लागू होती कौ कौ टाइम से तुमने कमेंट सेक्शन में कह ओके। आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेन्सी कह जाए गवर्नर्स रूल कह जाए प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट रूल कह जाए फर्स्ट टाइम जो स्टेट रे लागू होता दैट इज पंजाब एंड मैक्सिमम टाइम जो इंडिया रे स्टेट कौ स्टेट रे लागू होती दैट इज ऑल्सो पंजाब ओके। सो एंड वीटो पावर विषय में तुमको कहली वीटो पावर यू गोइंग टू राइट। पार्डनिंग पावर 5 प्रकार अच्छी आई थिंक यू ऑल्सो नो दिस ऑल्सो यहाँ भी तुमने कमेंट सेक्शन में कह। नेक्स्ट वी विल मूव टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट को कंप्लीट कर दबा। आर्टिकल 63 मेंशन करछि देयर शुड बी ए वाइस प्रेसिडेंट राइट वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 ए जो रैंक अच्छी वाइस प्रेसिडेंट कर एटा सेकंड फर्स्ट होछन हमर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट। तांकर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन आर्टिकल 66 रे मेंशन अछि आ जे भी वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पय कंटेस्ट करिवो तांकर 20 इलेक्टर एज प्रपोजल 20 इलेक्टर एज सेकेंड रही दरकार 50 इन केस ऑफ राज्यसभा रे माने सी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन रुहंती एंड तांकर इलेक्शन रे इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते इलेक्टेड डू रिमेंबर इलेक्टेड क्वालिफिकेशन भितर 35 इयर्स रो मिनिमम एज रही दरकार सी शुड बी ही और सी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज शुड बी क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा इन केस ऑफ प्रेसिडेंट दैट इज लोकसभा ओके। देन इज ओथ वाइस प्रेसिडेंट कर किए नि नो डाउट वाइस प्रेसिडेंट ने बट प्रेसिडेंट कर किए नि चीफ जस्टिस ओके। सैलरी 3.5 लाख पर मंथ एंड वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन वाई एक्स ऑफिशियल बिकॉज बीइंग नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा जी भी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हमें सी ऑटोमेटिकली बिकम्स द
यू नो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ओके जदि वाइस प्रेसिडेंट केबे भी रिजाइन करबा को चाहिबे से रेजिग्नेशन लेटर कहा को लिखि देबे नो डाउट प्रेसिडेंट को एंड द वर्स्ट फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया इज सर्वपल्ली राधाकृष्णन. ओके एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू डाई इन द ऑफिस इज कृष्ण कांत. दिस यू हैव टू रिमेंबर. इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर थिंग्स. ओके गाइज ये सेसन गुड़ाक तुम मन केमती लगुच निहाती फीडबैक सेयार कर आम ट्राइंग माइ लेवल बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट गाइज बेस्ट ऑफ द बेस्ट आई वांट टू गिव यू एग्जाम मात्र 10-11 दिन बंची ये सेसन गुड़ाक तुमको बहुत हेल्पफुल हो आई बिलीव सो तुमको जदि हेल्पफुल हो लाइक कर सेसन को सेयर कर सांग सहित डू सेयर गाइज बिकज एज एन एजुकेटर सब चाहूँ कि भिडियोटा मैक्सीम रू मैक्सीम पिला पाखे पहुँचु. थैंक यू वेरी मच फर वाचिंग. देखा हाँ सन्धार संध्या ना रातिर सेसन में दैट मीन आज राति 9 मेन्सुरेसन 3D सेसन अच्छी से देखा. थैंक यू. जय जगन्नाथ.